आपको जानकर हर्ष होगा कि देश में ऐसा प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी आए। उत्तर प्रदेश की धरती, भगवान राम की धरती पर सीएम बने योगी आदित्यनाथ। और कैसा कि ये सनातन की आवाज़, सनातन की वह आवाज़ आज खड़ा हुआ मुस्लिम राष्ट्रीय मंच भगवान राम के मंदिर के साथ, बहुत बड़ी बात। और जहाँ हिंदू मुस्लिम होती थी, वहाँ योगी और मोदी जी की वह पहचान कि लोग सनातन को मान बैठे, कहीं ना कहीं कह देते हैं कि भगवान राम की ही धरती थी, आखिर अब तक क्यों नहीं हुआ। लेकिन उन सब को छोड़ो, आगे सुने क्या लोग कहते हैं उपस्थित और कितना क्या मदद करते हैं। आइए हम सुनाएंगे मुस्लिम समाज की वह आवाज़, याद रखेगी हिंदुस्तान। जो भी हुई है, श्री राम तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट जो अधिकृत रूप से इस सारे धन संग्रह को कर रहा है, उसी के द्वारा हुई है। और जैसे अलग अलग प्रकार के मोहल्लों में, समाज में, जातियों में, मजहबों में कार्यक्रम हो रहे हैं, यह उसी बात का है। और एक इसलिए जो एक कुछ लोग भटकाते हैं, भड़काते हैं, बहकाते हैं, लड़वाते हैं, उनको ठीक उत्तर देने के लिए आज का प्रोग्राम है। मजहब के नाम पर बांटना, भड़काना, लड़वाना बंद करो, बंद करो। और इसलिए आज बड़ी संख्या में मुसलमान और दानेश्वर मुसलमान हैं, काउंटेबिलिटी वाले मुसलमान हैं, जो आकर आज बड़ी खुशी खुशी धन दे रहे हैं। ऐसा है कि सारे देश के अंदर मुसलमानों को अपील की गई है कि वह भी अपने अपने स्थान पर मिलकर धन संग्रह करें और अपनी बस्तियों से भी करवाएं। हजारों हजार मुसलमान इस काम में लग चुके हैं, परंतु जैसा ये दिल्ली में कार्यक्रम हुआ है, ऐसे 10 स्थानों से अधिक पर इसी तरह के कार्यक्रम अगले एक महीने में होंगे। और 400 साल की जद्दोजहद के बाद भी आज ये हम इसमें कामयाब हुए। हमने कहा जब बनना चाहिए तो यकीनन मुसलमानों का भी इसके अंदर योगदान होना चाहिए, और उस योगदान को लाने के राज यहाँ पर ये साबित कर दिया है कि भगवान राम किसी वर्ग विशेष के, किसी जाति विशेष के नहीं है, बल्कि हिंदुस्तान के एक प्रतीक है, जिनके अंदर हम सबको, जिनके मान्यता के अनुसार हम लोगों को रहना चाहिए। और वो सबके, सबके लिए बराबर है और उनका आशीर्वाद सबको बराबर प्राप्त होता है। जो पहल की है, ये पूरी दुनिया के लिए एक अमन का और मोहब्बत का पैगाम है, और हिंदुस्तान का सर बुलंद है आज इस वजह से कि हम जिसे इमामुल हिंद के नाम से याद करते हैं, उनका जन्म स्थल जो अयोध्या में है, उसकी तामीर के लिए हम यहाँ जमा हुए थे। लेकिन उम्मीदों से ज़्यादा यहाँ मिल्लत मुस्लिमा ने उसमें योगदान और हदिया की शक्ल में डोनेशन दिया है, जिसकी वजह से आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर और पूरी दुनिया में ये पैगाम जाएगा कि हिंदुस्तान एक अमन का गहवारा है, एक अमन की जगह है, एक मोहब्बत का पैगाम देता है। हमारी यही दुआ है कि जितनी अच्छी पहल है, उतनी अच्छी राम जन्मभूमि की तामीर हो, ताकि दुनिया में ये पैगाम चला जाए कि राम का। 9 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया, एक ऐसा मुद्दा जिसने देश के हिंदू मुसलमानों को सालों साल से दूर कर रखा था, एक खाई पैदा कर रखी थी, लड़ाइयाँ लड़ रहे थे उस अयोध्या के नाम पर। अयोध्या तो लफ्ज़ ही बग़ैर युद्ध के रहने वाली जगह के हैं। अयोध्या के नाम पर देश में खून बहा, लोग लड़े, दूरियाँ हो गई, भाई भाई से जुदा हो गया। और देश के प्रधानमंत्री की कोशिशों से जो एक देश में वातावरण बना और सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया कि दोनों ही लोगों को वहाँ जगह दी जाएगी, राम मंदिर भी बनेगा और वहाँ मस्जिद भी बनेगी। राम मंदिर का निर्माण शुरू हो चुका है, इसके अंदर देश के पूरे 135 करोड़ लोग जो है वो हिस्सा ले रहे हैं। देश का मुसलमान भी आज आगे आया है, और देश के जिम्मेदार उलमा ने, मौलानाओं ने, इमामों ने, प्रोफेसर साहब ने, जिम्मेदार लोगों ने आज यहाँ आकर ये साबित कर दिया है कि देश के सभी लोग राम मंदिर निर्माण से खुश हैं।